हेलो गाइस, वेलकम टू रोशन सिंह मौर्या व्लॉग्स। आज हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो इसके लिए हम इससे ऑन करते हैं। ऑन होने के बाद ये मोड में जाते हैं। मोड में जाने के बाद हमको यहाँ पे फिफ्थ नंबर पर इक्वेशन दिखता है। तो हम यहाँ पर फिफ्थ नंबर का बटन दबाते हैं तो इस टाइप के इक्वेशंस आते हैं। यहाँ पर पावर 3 तक हम इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। सो हम एक एक करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट अगर किया ऐसा, तो जैसे हमको इक्वेशंस आते हैं दो इक्वेशन, उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हम डाल सकते हैं उसके कॉन्स्टेंट, डालने पर हमको इसके वैल्यू मिलते हैं x और y के। तो इस तरह से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं इक्वेशन के। अब जैसे हम इक्वेशन, फिर से हमें इक्वेशन में जाना पड़ेगा। फिर इक्वेशन में हम इस 2 को दबाएंगे तो हमें 3 वाले, 3 कॉन्स्टेंट्स वाले इक्वेशन को ला सकते हैं। इसमें हम a, b और c के वैल्यूज पुट करेंगे और हम x, y और z का वैल्यू हमें इसमें मिलेगा। तो जैसे हम इसमें हम किसी भी तरह का इक्वेशन इसमें डाल सकते हैं और हमें इसका वैल्यू मिलेगा। जैसे ऐसे करने के बाद हमको यहाँ पे x, y और z के वैल्यू मिलते हैं। इसको इससे हमको 3 वैल्यू मिले हैं। अब हम फिर से इसी इसमें जाएंगे और हम 3 करके देखेंगे, जिसमें हम स्क्वायर वाला इक्वेशन पर पुट करेंगे। जैसे जो स्क्वायर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा पुट करने के बाद हमको उसके वैल्यू मिल सकते हैं। अब जैसे ये वैल्यू इमेजिनरी में आया है, इस तरह से हम इसके इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब फिर से हम एक लास्ट टाइप देखते हैं, फोर्थ वाला जो पावर 3 है। इसमें 3 पावर है उसका इक्वेशन का, इसलिए हमें इसमें 4 वेरिएबल्स मिलेंगे। हमें इसके रूट्स भी मिलेंगे। इस तरह से हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जितना पावर रहा उतना हमें रूट्स फाइंड करना रहता है। यहाँ पर इस कैलकुलेटर में हम बस पावर 3 तक ही रूट फाइंड कर सकते हैं। जो इसका लेटेस्ट कैलकुलेटर है उसमें हम पावर 4 तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो हम कुछ समय में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।